दोस्तों ये अरहर की दाल है, इसको हम धोए के कम से कम 10 मिनट हो गया है, इसको धोए के रख दी थी दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की हो गई है, अच्छे से धोए थे। तो इसको हम दूसरी तरीके से आज दाल बना के दिखाएंगे नए तरीके से। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये छिकला वाली दाल है, इसको इतनी मस्त बना के दिखाएंगे दाल, और दाल और साथ में चावल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हम तेल लगा लिए हैं हल्का हल्का कुकर में, तो ये हल्का गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें दाल ये फ्राई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। दोस्तों कुकर हमारा मतलब तेल गरम, जो नीचे डाले थे थोड़ा, तो आप लोग देख सकते हैं गरम हो गया है, अब वहाँ से स्लो कर देंगे। तो ये दाल डालती हूँ इसमें, इसको दोस्तों जो है कम से कम 2-3 मिनट, 3-4 मिनट इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और बस खुशबू थोड़ा आने लगे दाल से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से दाल हमारी फ्राई हो गई है, और ये छिकला आप देख रहे हैं जली नहीं है, ये छिकला है, पहले ही आप लोग देखे थे। तो दोस्तों ये इस तरीके से हो गई है दाल, इस तरीके से अच्छे से फ्राई हो गई, बहुत मस्त खुशबू आ रही है दोस्तों। ये इतने टमाटर इसमें डाल देती हूँ, और दोस्तों जिस हिसाब से आपकी दाल है उसी हिसाब से आप लोग पानी रखिएगा। तो इतना हम जो है डाल दिए हैं पानी, और टमाटर और नमक डाल देती हूँ, और नमक स्वाद के अनुसार। तो ये तेल है हमारे कुकर में उबाल आ जाता है, तो यहाँ हम तेल लगा लेती हूँ, देखती हूँ दोस्तों कि वो उबाल मतलब ना आए। और दोस्तों इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ कलर के लिए, और दोस्तों इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, और पूरी तरीके से दाल गलाना नहीं है हमको। ढक्कन हम लगा दिए हैं, और दोस्तों कम से कम 6 सीटी आने तक इसको पका लेती हूँ। दोस्तों इधर हमारी दाल पक रही है, और ये चावल धो के रख देती हूँ दूसरे चूल्हा पे, तो चावल भी साथ में बन जाएंगे, और चावल दाल बना के आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से। दोस्तों हम चावल धुल लिए हैं और पानी रख लिए हैं, तो इसको चढ़ा देती हूँ दूसरे चूल्हे पे। दोस्तों इस पे हम चावल रख दिए हैं, तो पक जाएंगे। दोस्तों दाल हमारी पक गई है, इसको नीचे उतार लेती हूँ, ठीक से रख देती हूँ, कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद चेक करती हूँ दाल। दोस्तों लाइट चली गई है, और इस समय अंधेरा है, ये मोबाइल की टॉर्च है, तो कुकर ठंडा हो गया है। और दोस्तों आप लोग दाल देख लीजिए, ये पूरी गली नहीं है दाल ये, और दोस्तों एकदम गजब की बनी हुई है। पानी थोड़ा कम हो गया है, तो अभी तड़का लगाऊंगी जब मैं, तो जो है पानी उसमें जो है थोड़ा डाल दूंगी, तो जो है मतलब भरे चलती हूँ तड़का की तैयारी करती हूँ। दोस्तों ये भगोना हमारा जो है हो गया है, तो इसमें तेल डालती हूँ। तो तेल गर्म हो गया है,
तब तेज पत्ता डाल देती हूँ। ये लहसुन डाल देती हूँ। और ये दोस्तों जीरा डाल देती हूँ। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। और ये खड़े मिर्च हैं, ये सूखे, इनको डाल देती हूँ। ये खड़े मसाला हैं, गरम गरम मसाला, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग और सब, ये सब इसको डाल देती हूँ। और ये इतना प्याज है, इसको डाल देती हूँ। अरे हमारा फ्राई हो गया है, तो ये पिसा हुआ प्याज है, तो इसको भी थोड़ा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और कितना, अरे दोस्तों ये हरा मिर्च है, धो के बीच से फाड़ लिए हैं, इसको काट लिए हैं, तो इसको डाल देती हूँ। अब देखा आप लोग अपने हिसाब से दोस्तों बनाइएगा। तो प्याज हमारा अच्छी तरीके से हो गया है। इसमें मसाला डालती हूँ, तो उसका एक जीरा है पिसा हुआ, इसको डाल देती हूँ। और ये धनिया दोस्तों अभी मैं भूंज के, धनिया जो है खड़ी रहे मतलब खड़ी साबुत धनिया, इसको उसको पहले भूंजी हूँ, उसके बाद इसको पीसी हूँ, तो इसको डाल देती हूँ 2 चम्मच। ये कुटा हुआ मिर्चा है, इसको डाल देती हूँ। ये अजवाइन है, इसको हाथ से इस तरीके से इसको मलके डाल देती हूँ। मेरी लाल मिर्च है, ये दोस्तों तीखा नहीं होता है, इसको डाल देती हूँ कलर के लिए थोड़ा। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ कि मसाला हमारे जल ले ना। दोस्तों ये मसाले आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हो गए हैं। तो ये दाल ये चिमटी से भर करके इसमें हम डालती जाऊंगी इस तरीके से। दोस्तों मैं आप लोग देख सकते हैं सारे दाल हम इसमें डाल दिए हैं। तो इसको ऐसे हल्के हाथों से इसको मिलाना है इस तरीके से। इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। ये गरम मसाला डाल दिए, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसलिए दाल दोस्तों बहुत कच्ची है। दोस्तों मैं पानी डाल दी हूँ, तो थोड़ा अरे थोड़ा खोल जाए ये पानी जो डाले हैं, तो पानी खोल जाए। तरीके से जो है गैस पे छोड़ देती हूँ। इधर चावल हमारे पक गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, दिखाती हूँ। दोस्तों दाल हमारी खोल गई है, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी दाल बनी है। अब इसको नीचे उतार लेती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल बनी हुई है। डबल जो है तड़का लगाने जा रही हूँ, तो आप लोग जो है देखना किस तरीके से दाल हमारी बनती है। ये जीरा डाल देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, ये हल्दी पाउडर है, हींग है, हींग डाल देती हूँ। ये तड़का हमारा तैयार है, इसको
इस पे डालने के लिए। ये हरा मिर्च है, दाल में डाले हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये गार्निश के लिए धनिया है, इसको डाल देती हूँ। आप लोग इसी तरीके से एक बार दाल बना के खाइए दोस्तों। दाल चावल रोटी पराठा किसी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों इसको ढक देती हूँ, और नहीं तो जो है इसमें की जो भाप निकल जाएगी। दोस्तों हमारा खाना बन गया है, दाल भात। ये आप लोग देख सकते हैं चावल, ये वही चावल है दोस्तों जो उस दिन हम छाने थे। वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देखना। दोस्तों मैं चावल निकाल ली हूँ, दाल निकालती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है हमारा दाल। आज खाली यही दाल और भात बनाई हूँ। आज रोटी जो है कोई नहीं खाने को बोला था। और ये प्याज रख रही हूँ इस तरीके से।